गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं मामा के घर में घूमने। एक्चुअली मामा ने मुझे उस दिन कॉल करके बोला है मुझे भाई को आने के लिए, तो पता नहीं अचानक किस रीजन से बोला आने के लिए, तो ये तो वहाँ जाके पता चलेगा। अभी 8 बज रहा है, लगभग 11 बजे हम लोग घर से निकल जाएंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आज हम लोग वहाँ पे रहेंगे। एंड ऑलरेडी हम लोग काफी दिनों से प्लान कर रहे थे वहाँ जाने के लिए, तो फाइनली आज हम जा रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है, तो मिलते हैं कुछ देर में। सोचा जाने से पहले दाढ़ी वाड़ी थोड़ा ट्रिम कर लेता हूँ ताकि थोड़ा चिकना दिखूं मैं। क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? यहाँ पे कर दिया है मैंने हेलमेट का वाइजर को चेंज, अब हो जाते फटाफट से रेडी। हंटर को कर दिया है स्टार्ट एंड फिर हम निकल गए। ऑलरेडी हम थोड़ा लेट हो चुके हैं लेकिन कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है। अभी हम लोग गुन बाजार में आ चुके हैं एंड गुन बाजार से जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं उस जगह का नाम है नौशिनपुर, तो हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगेगा, ज़्यादा दूर नहीं है। तो भैया गए ATM में, तो उसके आने के बाद हम लोग निकल जाएंगे। तो हम लोग अभी जस्ट आके पहुँच गए, ये देख सकते हो मामा रेडी कर रहे चूंगा, इसको आग में डाल के पका के खाया जाता है तो काफी टेस्टी होता है। तो अभी हम लोग आए थोड़ा सामने घूमने के लिए, तो आप लोग चारों तरफ देख सकते हो कितना मतलब ग्रीनरी है। तो लोग कहते हैं ना कि गांव में एक सुकून सा मतलब माहौल रहता है, तो आज मैंने भी ये बात मान लिया इस जगह को देखने के बाद। तो देखो कितना शांति है चारों तरफ। तो हम सब ने सोचा था कि वो लोग हमारा पीछा करते करते आ जाएंगे, तो देखो शक से ही निकला, आ ही गए वो लोग। सामने एक गाँव पड़ता है इसलिए देखो बीच में रोड भी बना हुआ है, तो इधर से गाँव के लोग आते जाते रहते हैं। तो एक्चुअली यहाँ आने के बाद पता चला कि उन लोगों ने पिकनिक ऑर्गेनाइज किया, इसलिए हमें बुलाया आने के लिए। तो आज एक्साइटमेंट लेवल बहुत ऊपर है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज। तो देख सकते हो हमारा घर बन के तैयार हो गया है, तो अभी जस्ट स्टार्ट होने वाला है। तब आज हम लोग स्पीकर लाना भूल गए थे, तो इसलिए अभी गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम ऑन करेंगे, तो अभी म्यूजिक चालू हो जाएगा। फिर हम निकल पड़े विंटर को एंजॉय करने। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।